हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसा हो, कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज भी मैं रोज की तरह जो कि मैं वोकैबलरी के इंग्लिश वोकैबलरी जो पार्ट लेके आता हूँ, आज मैं 16 पार्ट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों पिछले एग्जाम्स में बहुत बार में जो वर्ड्स है पूछे गए हैं। और दोस्तों आपको ऐसे याद करा दूंगा जो आपकी टिप्स पे भी याद हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक्स रहेगी, एक केवल एक बार पढ़ने से आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। दोस्तों आप कभी भी नहीं भूलोगे, जब भी आपके कोई से भी एग्जाम होंगे उसमें दोस्तों ऐसे वर्ड जरूर पक्का आएंगे। और दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वोकैबुलरी होती है सभी ज्यादातर एग्जाम्स में आती है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को शुरू से लेके आपके आपको आखिरी तक देखना है। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि अच्छी वीडियो होने वाली है, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस वीडियो की, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वर्ड नंबर 1 से। और दोस्तों इसके पहले के जो भी पार्ट है 15 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और सभी वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। चलिए वो वर्ड नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। वर्ड नंबर 1, तो दोस्तों हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, वो एक वो है ओल्डेन, ORDAIN। तो दोस्तों ये एक वर्ब है ओल्डेन। और दोस्तों साथ के साथ आपको नोट करते हुए जरूर चलना है सारे वर्ड्स को, उनकी ट्रिक लिखते हुए, उसकी मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, उसका लिंक वर्ड, सभी चीजों को आपको लिखते हुए चलना है। और दोस्तों साथ के साथ आपको स्पेलिंग भी याद करनी है, क्योंकि जो सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं उनमें स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है ओल्डेन, इसकी स्पेलिंग क्या है ORDAIN, और ये एक वर्ब है। और दोस्तों इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे तो दोस्तों उसका जो लिंक वर्ड है वो क्या है ओरडेन, 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 ओरडेन। तो दोस्तों जो साउंड आ रही है बिल्कुल सेम साउंड आ रही है। दोस्तों जो हमारा लिंक वर्ड रहता है उसकी साउंड मैच करती है बिल्कुल हमारे वर्ड के साथ, यानी कि आप देख सकते हैं अगर लिंक वर्ड को पढ़ेंगे आप और जो वर्ड है उसको पढ़ेंगे, जो उसकी साउंड रहेगी दोस्तों उसकी मैचिंग मैचिंग साउंड रहेगी। और दोस्तों जो ओरडेन है उसकी एक बार ट्रिक देते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, और डायन यानी जो डैन होती है या फिर डायन होती है, दोस्तों आपने बहुत ही फिल्मों में देखा होगा जो भूत की फिल्म होती है, ने उसके शरीर से निकलकर मुझे आदेश दिया। आपने बहुत ही मूवी देखी होगी जो बहुत ही खतरनाक होती है, जो बहुत ही डरावने वाली होती है। दोस्तों में क्या होता है कि अगर कोई डायन किसी के अंदर बढ़ जाती है तो दोस्तों बाहर निकल के बोलती है मुझे कोई आदेश देती है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि और डायन ने उसके शरीर से निकलकर मुझे आदेश दिया, यानी कि दोस्तों ओरडेन का अर्थ क्या हो जाता है, आदेश देना, ये आपको याद रखना है ओरडेन का क्या अर्थ है, आदेश देना। एग्जाम्पल क्या है, फेथ हैड ऑर्डेन्ड दैट दे वुड नेवर मीट अगेन। ये दोस्तों इसका एक एग्जांपल है, एक बार देख लेते हैं वर्ड को कि हमने इसको कैसे रिलेट किया। ऑर्डेन को हमने किससे रिलेट किया दोस्तों, और डायन से, ये आपको पता होना चाहिए और डायन। और दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, ऑर्डेन ने उसके शरीर से निकलकर मुझे आदेश दिया, यानी कि जो इसका अर्थ है वो होता है आदेश देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं वर्ड नंबर 2 पर। आप दोस्तों प्लीज इसको नोट जरूर कर लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, फिर प्लीज शुरू से लेके आपको आखिरी तक देखना है। चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 2 पर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा वर्ड नंबर 2। तो दोस्तों जो हमारा वर्ड नंबर 2 है वो है मो, MOW। ये दोस्तों एक वर्ब है MOW, मो। तो दोस्तों इसको कैसे रिलेट करेंगे, हम किससे रिलेट करेंगे इसको, हम जो हमारा लिंक वर्ड है वो क्या है, माओ, मो माओ, मो माओ। तो दोस्तों जो साउंड आ रही है वो कैसी आ रही है, बिल्कुल सेम साउंड आ रही है लिंक की, लिंक वर्ड की हमारी, और जो हमारा वर्ड है मो माओ। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, माओवादी लोग सबको काट डालते हैं, जो दोस्तों आतंकवादी होते हैं माओवादी लोग होते हैं सबको काट डालते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घास काटना, किसी भी चीज को काटना, फिर घास काटने से मैदान में घास हो जाता है उसको काटना। तो दोस्तों मो का अर्थ क्या हो जाएगा, घास काटना। एग्जाम्पल क्या है, आई मो द लेन लोन एवरी वीक इन समर। ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों मो को हम कैसे रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, माओ से, माओवादी लोग सबको काट डालते हैं, यानी कि क्या अर्थ हो जाएगा, घास काटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन यानी कि वर्ड नंबर 3 पर चलते हैं। प्लीज दोस्तों इसको नोट कर लेंगे, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज मुझे आपके कमेंट करके बताएं, जिससे कि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के ला सके, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके इंग्लिश वोकैब का। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर बनाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा वर्ड नंबर 3 है वो क्या है, वर्ड नंबर 3 है दोस्तों हमारा सैक्रोसेंट, SACROSANCT। दोस्तों स्पेलिंग को भी जरूर याद करते हुए चलना है आपको, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है।
दोस्तों जो इसका लिंक वर्ड है वो क्या है, सैकड़ो संत, सैक्रो सैंक्ट, सैकड़ो संत। दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसी ही आवाज आ रही है, आप पढ़ के देख सकते हो, सैक्रो सैंक्ट, सैकड़ो संत। यानी कि इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रिक क्या हो जाएगी, सैकड़ो संत है पर सबसे ज्यादा पवित्र कौन है यह कहना बहुत ही मुश्किल है। एक बार ट्रिक को पढ़ लेते हैं दोस्तों, सैकड़ो संत है पर सबसे ज्यादा पवित्र कौन है यह कहना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों जिसका मीनिंग है जो, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सैकड़ो संत का पवित्र, सैकड़ो संत का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, पवित्र। ये आपको याद रखना है, प्लीज नोट जरूर कर लेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। इसके ये वर्ड लिख लेंगे, फिर इसका लिंक वर्ड लिखेंगे, फिर ट्रिक लिखेंगे और फिर उसका अर्थ लिख लेंगे, यानी कि उसका मीनिंग क्या है, ऐसे आपको लिखना है। दोस्तों हम आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे जिससे कि आपका नंबर कहीं भी पड़ सके और आपके दोस्तों कोई भी वर्ड ना छूटे एग्जाम में। यानी कि दोस्तों जो सैकड़ो संत है उसका लिंक वर्ड क्या है, सैकड़ो संत, और सैकड़ो संत है पर सबसे ज्यादा पवित्र कौन है यह बहुत कहना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पवित्र। आई विल वर्क टिल लेट इन द इवनिंग बट माई, आई होप दोस्तों आपने पढ़ लिया हो, थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको एग्जाम्पल दिख जाए। प्लीज इसको नोट जरूर कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके थोड़ा मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ। दोस्तों इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आई विल वर्क टिल लेट इन द इवनिंग बट माई वीकेंड्स आर सैक्रोसैंक्ट। ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पवित्र। ये आपको याद रखना है, आप इसको नोट भी जरूर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर दोस्तों आते हैं फोर पे, वर्ड नंबर फोर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं, एरेबल, ARABLE। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, एरेबल, एरेबल एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों इसको एरेबल को कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, किस वर्ड से, अरेबल, एरेबल, अरेबल, एरेबल, अरेबल। दोस्तों अगर आप दो तीन बार इसको पढ़ेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर इसका मीनिंग आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, अरेबल नहीं इस जमीन पर नल लगाए ताकि यह कृषि योग्य बनेगी। तो दोस्तों जैसे कोई बंजर भूमि है, बहुत ही उस पर खेती बहुत ही कम होती है, तो दोस्तों हमें इसमें बल नहीं लगाना चाहिए, हमें इसमें एक नल लगाना चाहिए, एक ट्यूबवेल लगानी चाहिए जिससे कि जो भूमि है हमारी कृषि योग्य बन सके। तो दोस्तों एरेबल का अर्थ क्या हो जाएगा, हमारा कृषि योग्य, अगर कोई भूमि है वो हमारी क्या है, कृषि योग्य होनी चाहिए। यानी कि एरेबल फार्म या फिर एरेबल कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों इसका एरेबल का लिंक वर्ड क्या हो जाएगा, अरेबल, एरेबल, अरेबल। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, आई एम लुकिंग फॉर एरेबल लैंड हेयर। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, यानी कि मैं एक कृषि योग्य भूमि देख रहा हूं, ये दोस्तों इसका मीनिंग है। तो दोस्तों एरेबल का अर्थ क्या हो जाएगा, कृषि योग्य। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर जरूर आएंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन है आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, आई होप आपने इसको नोट जरूर कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर फाइव पर आते हैं, वर्ड नंबर फाइव, एक बार ऊपर का पढ़ लेते हैं, एग्जांपल बाद में देख लेंगे। फाइव, पैंडेमोनियम। ये दोस्तों एक नाउन है, पैंडेमोनियम। दोस्तों इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैंडेमोनियम की स्पेलिंग क्या है, PANDEMONIUM, पैंडेमोनियम। ये दोस्तों एक नाउन है। दोस्तों अगर आपको स्पेलिंग याद करनी है आप तोड़ तोड़ के स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगी पक्का, मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों इसका लिंक वर्ड क्या है पैंडेमोनियम का, पांडे हारमोनियम, पैंडेमोनियम, पांडे हारमोनियम, पैंडेमोनियम, पांडे हारमोनियम, ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे। बिल्कुल साउंड जो है, जो आवाज है, बिल्कुल सेम ऐसी आ रही है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, पांडे हारमोनियम बजाकर बहुत कोलाहल या फिर शोर मचा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर किसी को कोई संगीत का शौक है, वो उसके पास एक हारमोनियम है बजाने का, और दोस्तों उसको हारमोनियम अपना बजा रहा है। तो दोस्तों एक बार वो देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है, पांडे हारमोनियम बजाकर बहुत ही कोलाहल या फिर शोर मचा रहा है, यानी कि बहुत ही आवाज कर रहा है हारमोनियम बजाकर। तो दोस्तों पैंडेमोनियम का अर्थ क्या हो जाएगा, शोर मचाना या फिर कोलाहल करना, ये दोस्तों इसका मीनिंग हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको लिंक वर्ड जरूर याद रखना है, जो हमारे लिंक वर्ड है, यानी कि पांडे और प्लस हारमोनियम, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, देयर वॉज पैंडेमोनियम इन द क्लासरूम टिल द हेड अपीयर्ड। यानी कि दोस्तों जब तक कि हेड क्लास में नहीं गया तब तक बच्चों ने बहुत ही कोलाहल या फिर शोर मचा रखा था। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट जरूर कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर सिक्स पर चलते हैं। दोस्तों आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों वर्ड नंबर सिक्स पर। तो हमारा दोस्तों वर्ड नंबर सिक्स है वो है पैनोप्ली,
PANOPLY, ये दोस्तों एक नाउन है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, पेन प्लस प्लाई से, पेनोपली पेन प्लस प्लाई, पेनोपली पेन प्लस प्लाई। और दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, यहां तो पेन प्लाई से बनी हुई कवच की ढेर है, यहां तो पेन प्लाई से बनी हुई कवच की ढेर है, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेनोपली का कवच या फिर ढेर। ये दोस्तों इसके दो मीनिंग है, ढेर और कवच। यानी कवच दोस्तों जो हम पहनते हैं, जो जो सोल्जर्स होते हैं जो ऊपर कवच पहन लेते हैं, आपने मूवी में देखा होगा बहुत सारी, लोहे का कवच पहन लिया ऊपर शरीर के, तो दोस्तों इसको पेनोपली बोलते हैं, या आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों पेनोपली का अर्थ क्या हो जाएगा, कवच या फिर ढेर। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एक बार देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल पेनोपली का, इसका एग्जाम्पल क्या है, द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड ए होल पेनोपली ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स। ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर सेवन पर आते हैं। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, वर्ड नंबर सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेनेसे, PANACE। ये दोस्तों एक नाउन है, पेनेसे, PANACE। ये दोस्तों इसको कैसे रिलेट करेंगे हम, पान प्लस नाश से, पेनेसे पान प्लस नाश, पेनेसे पान प्लस नाश। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, साउंड हमारी ऐसी ही आ रही है पान प्लस नाश जैसे, ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, वो पहले पान स्टाइल से बनाता था पर अब तो पान नाश कर देता है, पान का नाश कर देता है। पहले बिल्कुल पान जो था बिल्कुल स्टाइल से बनाता था, बहुत ही अच्छा बनाता था, लेकिन दोस्तों अब वो पान का नाश कर देता है। यानी कि दोस्तों जो इसका मीनिंग है पेनासे का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोहर ढंग से, यानी कि बहुत ही स्टाइल तरीके से, मनोहर से, स्टाइल एलिगेंस ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, मनोहर ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक बार एग्जाम्पल ले, सी कैरिड ऑफ दी परफॉर्मेंस विथ पेनाशी, यानी कि दोस्तों जो उसने परफॉर्मेंस दी वो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से दी, या इसका एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों पेनाशी का अर्थ क्या हो जाएगा, मनोहर ढंग से या फिर स्टाइलिश तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं वर्ड नंबर एट पे, वर्ड नंबर एट देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरमीटेंट, INTERMITENT। दोस्तों एक एडजेक्टिव है, इंटरमीटेंट को हम किससे रिलेट करेंगे, इंटरमीटेंट, इंटरमिटेंट, 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 इंटरमिटेंट। दोस्तों आपको दो तीन बार ये लिंक वर्ड बोलना है, साउंड बिल्कुल सेम आ रही है, आपके एकदम से जुबान पे बैठ जाएगा और इसका मीनिंग आपके एकदम से दिमाग में आ जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, इंटरमीडिएट में यानी कि 12वीं में टेंट में तुमसे रुक रुक कर मिलना बहुत ही अच्छा लगता था। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जैसे कि आप 12वीं क्लास में होते थे, या एक कपल बन जाता था बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, तो दोस्तों जो आपस में मिलते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। यानी कि रुक रुक कर मिलना, कुछ टाइम बाद मिलना, तो दोस्तों आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस इंटरमीडिएट का अर्थ क्या हो जाएगा, रुक रुक कर, यानी कि कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, रुक रुक कर, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, वी विटनेस्ड इंटरमीडिएट बर्स्ट ऑफ एप्लोज, ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है। ये तो इसका एक एंटोनिम से कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो इंटरमिटेंट है वो उसका अर्थ हो जाएगा रुक रुक कर, और इसका जो एंटोनिम से इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपकी समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर नाइन पर आते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटरलोपर, INTERLOPER। दोस्तों एक नाउन है इंटरलोपर, इसको हम किस कैसे रिलेट करेंगे, लोफर से, इंटरपोल लोफर को हम किससे रिलेट करेंगे, लोफर से, इंटरलोपर लोफर, इंटरलोपर लोफर, ये एक नाउन है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, लोफर लोग हमेशा अनाधिकार प्रवेश करने वाले होते हैं, यानी कि दोस्तों जहां पे उनको कुछ कहीं जाना है, अगर वहां पे एंट्री बंद है तो दोस्तों वो फिर भी अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों इंटरलोपर का क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, अनाधिकार प्रवेश यानी कि इंट्रूडर, यानी कि कहीं भी घुस जाना अनाधिकार, यानी कि वहां पे उनका जाना अधिकार नहीं है लेकिन वो फिर भी वहां पे घुस गए, यानी कि इंट्रूडर एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों इंटरलोपर को आप किससे रिलेट करेंगे, लोफर से, ये या आपको याद रखना है वर्ड, आपके दिमाग एकदम से दिमाग में आ जाएगा। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, सी फेल्ट लाइक एन इंटरलोपर इन हर ओन फैमिली, ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इंटरलोपर का क्या है दोस्तों, अनाधिकार प्रवेश करना या फिर इंट्रूडर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं वर्ड नंबर टेन पर, नंबर टेन, जो हमारा नंबर टेन है दोस्तों वो क्या है, सैगेसियस, SAGACIOUS। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है सैगेसियस,
इसको हम कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों सैगेसियस को? तो दोस्तों सैगेसियस को हम किससे रिलेट करेंगे? साग से, जो खाने वाला साग होता है, सैगेसियस साग। अगर सैगेसियस वर्ड आपके सामने लिखा हुआ आता है एग्जाम में, एकदम से आपको याद आना है कि साग, सैगेसियस साग, सैगेसियस साग, ये या आपको याद रखना है। और दोस्तों जो साग खाने वाला होता है, इसकी ट्रिक पढ़ लेते हैं। साग सब्जी खाने वाले लोग समझदार होते हैं, यानी कि दोस्तों जो साग सब्जी हरी सब्जी खाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या हो जाएगा सैगेसियस का? इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों समझदार, सैगेसियस समझदार, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी मेट ए सैगेसियस लॉयर, हम एक बहुत ही समझदार लॉयर से मिले, ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर दोस्तों 11 पर चलते हैं, वर्ड नंबर 11। तो दोस्तों हमारा जो 11th वर्ड है वो क्या है? मर्थ, MIRTH, मर्थ। ये दोस्तों एक नाउन है, इसको हम किससे रिलेट करेंगे? बर्थ से। मर्थ को किससे रिलेट करेंगे? बर्थ से। मर्थ बर्थ, मर्थ बर्थ, मर्थ बर्थ, इसको आप 2-3 बार बोलेंगे आपके याद हो जाएगा। यानी कि इसकी ट्रिक क्या है? बच्चे के बर्थ के बाद पूरी परिवार में खुशी हो गई, यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर जाग गई। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मर्थ का? खुशी, यानी कि हैप्पीनेस, खुशी, ये दोस्तों इसका अर्थ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज अनेबल टू कंसील हिज मर्थ, ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है। तो यानी कि दोस्तों मर्थ को किससे रिलेट करेंगे? बर्थ से। और दोस्तों बर्थ यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है किसी घर में, उसके घर में परिवार में खुशी आ जाती है, यानी कि मर्थ का अर्थ क्या है दोस्तों? खुशी, यानी कि हैप्पीनेस, ये इसका दोस्तों एक मीनिंग है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ जाएगा, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर 12 पर आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर 12 पर आते हैं, वर्ड नंबर 12, फ्लॉन्ट, FLAUNT। दोस्तों फ्लैंट ये एक वर्ब है, FLAUNT, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? फल प्लस आंट से, फ्लॉन्ट फल प्लस आंट, फ्लॉन्ट फल प्लस आंट, यानी कि इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों? अंकल का लाया हुआ फल आंट सबको दिखा दिखा कर खा रही है, अंकल का लाया हुआ फल आंट सबको दिखा दिखा कर खा रही है, यानी कि दोस्तों इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्लॉन्ट का? इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दिखावा करना, किसी भी चीज का दिखावा करना, ये दोस्तों इसका अर्थ है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी ओपनली फ्लॉन्टेड हर अफेयर विद हर विद द सेनेटर, ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल है। यानी कि दोस्तों आपको अगर फ्लॉन्ट आपके एग्जाम में वर्ड आता है, आपको याद रखना है कि फल प्लस आंट, यानी कि अंकल फल लाया था आंट के लिए और वो सबको दिखा दिखा कर खा रही है, यानी कि आपको इसका ऐसे रिलेट करते हैं। और दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दिखावा करना, ये दोस्तों इसका मीनिंग है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी जरूर कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर 213 पर आते हैं। दोस्तों जो वर्ड नंबर 13 है वो है हमारा हेज मनी, HEGEMONY, हेज मनी, ये दोस्तों एक नाउन है। हेज मनी को हम किससे रिलेट करेंगे? हैजी मनी, हेज मनी, हैजी मनी, हेज मनी, हैजी मनी, यानी कि ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? हैजी मनी, कमा कमा कर आपने अपना वर्चस्व बना लिया है, यानी कि जैसे कोई पति पत्नी है, पत्नी आप अपने पति से बोल रही है जी मनी कमा कमा कर आपने अपना वर्चस्व बना लिया है, यानी कि अपनी रेपुटेशन बना लिया है, ये दोस्तों इसका यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हेज मनी का वर्चस्व, ये दोस्तों इसका मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन कोई एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लेते हैं, प्रभाव भी बोल सकते हैं दोस्तों, प्रभाव हिंदी में, वर्चस्व प्रभाव, या फिर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं उसको, उसकी रेपुटेशन हो गई, उसका एफ फेमस हो जाएगा वो। तो दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, एक बार इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं, द कंट्रीज कंटिन्यूइंग डिजायर फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेजमनी मेक्स मी प्राउड, यानी कि दोस्तों हमारे देश का बहुत ही वर्चस्व प्रभाव बढ़ रहा है और देशों के मुकाबले, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारी मिलिट्री है वे बहुत ही अच्छे अच्छे अपना काम कर रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए वे अपने देश का वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, ये दोस्तों यानी कि हेजमनी खर्च क्या हो जाएगा? वर्चस्व। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, वर्ड नंबर 14 पर आते हैं। दोस्तों जो हमारा वर्ड नंबर 14 है वो क्या है? प्रीवेरिकेट, PREVARICATE। दोस्तों ये एक वर्ब है प्रीवेरिकेट, यानी कि इसको किससे रिलेट करेंगे हम? प्रीवेरिकेट, 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 इसको दोस्तों अगर आप 2-3 बार रिवाइज करोगे, दोहराओगे, तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रीवेरिकेट को जब तक मिल नहीं जाती वह टाल मटोल करती रहेगी,
तो दोस्तों जो यहाँ पे कैट है, कैटरीना, आपको पता होगा जो कैटरीना कैफ है उनको कैट बोलते हैं। यानी कि दोस्तों अगर कैट, जब तक कैटरीना को प्रिय वर यानी कि अच्छा वर नहीं मिल जाता तब तक वो टाल मटोल करती रहेगी। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रीवेरिकेट का टाल मटोल करना, ये या आपको याद रखना है। प्रीवेरिकेट को आपको याद रखना है किससे लिंक करना है, प्रिय वर केट से, प्रिय वर केट से इसको आप याद रखना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टाल मटोल करना। यानी कि दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टॉप प्रीवेरिकेटिंग एंड कम टू द पॉइंट। यानी कि टाल मटोल करना बंद करो, सीधे पॉइंट पर आओ। ये यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये वर्ड। तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रिक के माध्यम से किसी भी चीज को हम आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत दिनों तक याद भी रख सकते हैं। दोस्तों जो हमारा चैनल है ड्रीमर्स, वो ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज ट्रिक्स के माध्यम से करनी है, याद करनी है, तो दोस्तों आप सही चैनल पर हो, सही वीडियो को आप देख रहे हो। तो दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर 15 पर आते हैं। तो दोस्तों जो हमारा वर्ड नंबर 15 है वो क्या है, लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून। ये दोस्तों एक वर्ब है लैम्पून, इसको किससे रिलेट करेंगे हम, लैम्प से, लैम्पून लैम्प, लैम्पून लैम्प, लैम्पून लैम्प। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी, तुम्हारी कंपनी का लैम्प ऑन ऑफ होता है इसलिए सब तुम्हारी निंदा करते हैं। यानी कि दोस्तों लैम्पून का अर्थ क्या हो जाएगा, निंदा करना, निंदा करना। यानी कि लैम्पून का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, निंदा करना। यानी कि तुम्हारी कंपनी का लैंप ऑन ऑफ होता रहता है इसलिए सब तुम्हारी निंदा करते हैं। यानी कि किस कंपनी में दोस्तों ऐसा होता है, ऑन ऑफ होता रहता है लैंप, तो दोस्तों वहां पे निंदा तो करेंगे किस सबकी। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या जाएगा, निंदा करना, लैंपून निंदा करना। ऑप्शंस को एक बार, मतलब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसके एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दोस्तों, हिज कार्टून्स मर्सीलेसली लैम्पून्ड द पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। यानी कि दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपके ये सभी वर्ड समझ में आ गए होंगे, ये वर्ड भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ एक बार फिर, जिससे कि आपको अच्छे से ये दिख जाए, आप इसको नोट कर सके। चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप प्लीज नोट कर ले एक बार फिर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों अगर आप ऐसे ही वर्ड को याद करते रहेंगे डेली, 10 से अगर 15 भी आप वर्ड याद करेंगे, तो दोस्तों आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों हम ये करके दिखाएंगे और आपके सभी वर्ड आपको याद कराएंगे, जिससे कि आपके हर एक एग्जाम में जो भी इसमें वोकैबुलरी आती है, आपकी सभी सभी वर्ड्स को आप वहां पे करके आए, कोई भी वर्ड छोड़ के ना आए, आपको 100% गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर भी करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे। और दोस्तों ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो PDF लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को फैला दीजिए, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।